आईन के आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान को इन एड ऑफ सिविल पावर तलब कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भरपूर और भारी डिप्लॉयमेंट के बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम अवेलेबल ट्रुप्स और अफवाज पाकिस्तान के तमाम मेडिकल रिसोर्सेज को ज़रूरत के मुताबिक डिप्लॉय करने के अहकामात जारी कर दिए। वफाक और सूबाई हुकूमतों के इकदाम के तहत सिर्फ हॉस्पिटल्स, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें, खाने पीने की अशिया और मेडिकल सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियां और मेडिकल स्टोर खुले रह सकेंगे। तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। हर किस्म के इजतमात पर पाबंदी रहेगी। तमाम किस्म के शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, शादी हॉल, स्विमिंग पूल्स और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सिर्फ फूड सप्लाई चेन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। शहरों के अंदर हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तमाम एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप्स और मंडियां सूबाई हुकूमतों की तरफ नोटिफाइड की तरफ से नोटिफाइड डेज पर ही खुल सकेंगी। इस हवाले से सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबे में मजीद गाइडलाइंस जारी करेंगी, जिन्हें सिविल इदारों के साथ मिलकर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम हिफाजती इकदाम के तहत बॉर्डर्स तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन असल बॉर्डर इंसान और कोरोना वायरस के दरमियान है, जिस पर हमने काबू पाना है। ये इनफरादी, खानदानी, कम्युनिटी और मुआशरे के तौर पर मुश्किल और सख्त फैसले करने का वक्त है। इनफरादी नज्म व ज़ब्त और बाहमी तआवुन तमाम इदारों की कोशिशों को कामयाब करेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ बेस्ट डिफेंस आइसोलेशन से भी ज्यादा कोऑपरेशन है। द टास्क एट हैंड इज एनॉर्मस एंड वेरी डिफिकल्ट। लेकिन दुनिया ने 2005 के जलजले और 2010 के सैलाब और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस कौम की रेजिलियंस को बखूबी देखा है। मौजूदा चैलेंज ने एक बार फिर हमारी नेशनहुड को आजमाया है, लेकिन इस मरतबा खतरा बहुत ही मुख्तलिफ नोयत का है, द लाइक्स ऑफ विच वी हैव नॉट सीन इन आर लाइफ टाइम्स। इस खतरे पर काबू पाने के लिए अफवाज पाकिस्तान कौम के शाना बशाना खड़ी होंगी। वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी नकलो हरकत को महदूद रखना ही मौसर तरीन बचाव है। लेकिन इसके साथ साथ स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत अहम है। इस सिलसिले में अफवाज पाकिस्तान और दीगर अदारों के साथ मिलकर तमाम एंट्री पॉइंट्स पर इस प्रोसीजर को यकीनी बनाया जा रहा है। अब तक 1 मिलियन से जायद मुसाफरों की स्क्रीनिंग इंश्योर की गई है। पिछले 24 घंटों में 12,000 से जायद स्क्रीनिंग टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कायम किए गए क्वारंटीन कैंप्स में सिक्योरिटी और दीगर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बहादुर और गयूर पाकिस्तानी कौम एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चैलेंज को भी अबूर कर लेंगे। आर्मी चीफ ने इस मद में अपनी 1 माह की तनख्वाह, ब्रिगेडियर से लेफ्टिनेंट जनरल तक 3 दिन की तनख्वाह, कर्नल के ओहदे तक के ऑफिसर्स ने 2 दिन और सोल्जर्स और जेसीओज ने अपनी 1 दिन की तनख्वाह इस वबा से निमटने के लिए देने का फैसला किया है। आखिर में मैं आप सब से कहूंगा कि अपने खानदान और खास तौर पर अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की सेहत की हिफाजत के लिए हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत और डॉक्टर्स की जानिब से जो हिदायात जारी की जा रही हैं, उन पर जिम्मेदार शहरियों के तौर पर अमल कीजिए। खुद को और अपने प्यारों को घरों तक महदूद रखें ताकि हम इस वबा का मुकाबला कर सकें।
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस जंग में पाक फौज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हुकूमत के साथ मुकम्मल तआवुन कीजिए। इन हदायात पर अमल करके ही पैनिक और खौफ व हरास से बचा जा सकता है। इनफरादी हिफाजत में ही मजमू हिफाजत। शुक्रिया।